गाइस, वेलकम टू ऑल अबोर्ड। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 ऑफ बोल्ट मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग यहाँ तक पहले तीन वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो आप लोगों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। चलासनी वेंकट नागेश्वर यानी कि सीवी नागेश्वर gets additional charge as CFO of SBI. So SBI के chief financial officer अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं या किसको additional charge मिला है? So ये मिला है CV नागेश्वर को। Next है Lieutenant General KJS Dhillon to assume charge as Director General of DIA. So DIA होता है Defence Intelligence Agency, और हमारी country की जो Defence Intelligence Agency है इसके Director General कौन बनाए गए हैं हाल ही में? सो लेफ्टिनेंट जनरल KJS Dhillon, आप ऐसे याद रख सकते हो, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इट इज स्टार्टिंग विथ डी। और जो हमारे नए लेफ्टिनेंट जनरल KJS Dhillon है, इनका सरनेम भी डी से ही स्टार्ट हो रहा है। सो भले ही एकदम से याद ना हो, लेकिन जब ऑप्शंस होंगे तब आप लोग इसको टिक कर पाओगे। ओके, सो ऐसे रिलेट कर लेना। MEA अपॉइंट्स कोऑर्डिनेटर टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू टैकल कोरोना वायरस। सो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है, ठीक है, और ये स्पेशली करा है कोरोना वायरस में जितने भी इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं उसमें इंडिया को भी शामिल करने के लिए। और ये चार्ज अभी किसे दिया गया है? दम्मू रवि। सो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, दम्मू रवि, इनको एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल ऐसा अपॉइंट किया है। एंड ही इज द नोडल पर्सन या नोडल ऑफिसर टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द पेंडेमिक। सो अभी आप देख रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारी, वो कितना एक्टिवली काम कर रही है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हु आर स्ट्रैंडेड इन अदर कंट्रीज, या बहुत सारी कंट्रीज के लोग जो है वो हमारे कंट्री में फंस गए हैं। सो वही सारे एफर्ट्स को एक चैनलाइज करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट है ITBP चीफ SS देसवाल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ BSF। सो ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके हेड हैं अभी SS देसवाल, और अब इनको एडिशनल चार्ज मिला है BSF का, यानी कि अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल हैं। NCLAT चेयरमैन जस्टिस SJ मुखोपाध्याय रिटायर्स, जस्टिस भट्ट अपॉइंटेड एज ऑफिशिएटिंग चेयरमैन। सो देखिए, NCLAT इसका मतलब है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल है, और इसके अभी जो चेयरपर्सन थे, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे SJ मुखोपाध्याय। ओके, और अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, बिकॉज उनकी जो एज है वो 70 इयर्स हो चुकी है। तो अब NCLAT के जो नए चेयरमैन हैं वो बने हैं जस्टिस भट्ट। ओके, पूरा नाम है जस्टिस बंसीलाल भट्ट। यस बैंक्स न्यू मैनेजमेंट। सो देखिए, यस बैंक का पूरा मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो चेंज किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज किए हैं, और अब जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं या नए जो MD बने हैं बैंक के, वो हैं प्रशांत कुमार। ओके, ये पहले SBI में थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो बने हैं ये हैं सुनील मेहता, और ये पंजाब नेशनल बैंक के पहले चेयरमैन थे। तो आपको दोनों याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं प्रशांत कुमार, इनको MD एंड CEO भी बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो बने हैं सुनील मेहता। IAS ऑफिसर बशीर अहमद खान अपॉइंटेड फोर्थ एडवाइजर टू जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जब से ये एक यूनियन टेरिटरी बना है तो इसके अभी जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? सो पहला तो ये क्वेश्चन है, सो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू, और अब इनके कुछ एडवाइजर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। पहले एडवाइजर थे राजीव भटनागर, ये हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। इसके अलावा और भी एडवाइजर्स हैं इनके, फारूक खान, के शर्मा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो नए एडवाइजर बनाए गए हैं वो हैं बशीर अहमद खान। इसके अलावा लद्दाख के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन हैं? सो RK माथुर। RM विशाखा रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। सो जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि इसमें दो कंपनीज की पार्टनरशिप है, एक है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है आंध्र बैंक। इन दोनों ने मिलके जो इंश्योरेंस शुरू करा है वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, और इसके दोबारा से MD एंड CEO बनाए गए हैं RM विशाखा,
और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या ओवरऑल जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके जो एमडीज वगैरह हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन तय करता है कि ये बनेंगे या नहीं, सो वो करता है एडाई, और एडाई का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में. ओके, रविंद्र सिंह ढिल्लन अपॉइंटेड एज पीएफसी सीएमडी. पीएफसी का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बने हैं, सो रविंद्र सिंह ढिल्लन. इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था डीआई यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके हेड कौन बने हैं, सो लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो. सो दोनों का ही सरनेम सेम है, कंफ्यूज मत करना, ये बने हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के. नेक्स्ट है ईसीआई अपॉइंट्स हृदेश कुमार न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है कि जम्मू एंड कश्मीर का नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसे बनाया है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल ऑफिस. सो ये बने हैं हृदेश कुमार. एचएसबीसी अपॉइंट्स नोएल क्विन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो एचएसबीसी जो है इसका फुल फॉर्म है हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध बैंक है ये. अब ये पूछा है कि इसके नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं नोएल क्विन. ओके, और एचएसबीसी का हेडक्वार्टर है लंदन में. आप ऐसे मत सोचना हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक है तो हेडक्वार्टर भी इसका हांगकॉन्ग में होगा, नहीं, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. ओके, सेल्स फोर्स नेम्स फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य एज इंडिया सीईओ, यानी कि सेल्स फोर्स जो कंपनी है उसने अपना इंडिया का सीईओ किसे बनाया है, सो अरुंधति भट्टाचार्य को. ओके, फॉर्मर एयर इंडिया सीएमडी अश्विनी लोहानी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. दैट मींस जो एयर इंडिया के पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे अभी अश्विनी लोहानी, इनको आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है. ओके, कौन से स्टेट का, ये जरूर ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया गया है. गूगल अपॉइंटेड करण बाजवा एज एमडी ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया. सो इंडिया में गूगल क्लाउड का एमडी किसको बनाया है, सो इंडिया में गूगल क्लाउड का नया एमडी किसे बनाया गया है, ये है करण बाजवा. ओके, और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था अश्विनी लोहानी को चेयरमैन बनाया है आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का. इराकी प्रेसिडेंट सली अपॉइंट्स अदनान अल जुर्फी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर. सो अभी इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अदनान अल जुर्फी. इसके अलावा हमने स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर पढ़े थे कल, वो हैं जेनिस जानसा. राजीव बजाज रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज ऑटो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. सो बजाज ऑटो के रीअपॉइंट करा गया है एमडी एंड सीईओ को, इनका नाम है राजीव बजाज. नेक्स्ट है इंडियन अंपायर्स जननी नारायणन एंड वृंदा राठी नेम्ड इन आईसीसी पैनल. सो देखो ओवरऑल 12 अंपायर्स हैं जो कि आईसीसी के पैनल में अभी इंक्लूडेड हैं. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स, इसमें अ टोटल ऑफ 12 फीमेल अंपायर्स आर देयर, और इसमें इंडिया की 2 अंपायर्स को भी हाल ही में शामिल किया गया है, जिसमें एक है जननी नारायणन और एक है वृंदा राठी. ठीक है, जस्टिस भूषण धर्माधिकारी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. देखिए हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो भूषण धर्म अधिकारी, इनको अभी चीफ जस्टिस बनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट का. वॉलमार्ट अपॉइंट्स समीर अग्रवाल एज सीईओ फॉर इंडिया. सो वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ बने हैं समीर अग्रवाल. ओके, समीर अग्रवाल किसके नए सीईओ बने हैं, सो वॉलमार्ट इंडिया के. इसके अलावा सेल्स फॉर इंडिया की अभी नई चेयरमैन बनी है अरुंधति भट्टाचार्य. ओके, इकबाल सिंह बैस अपॉइंटेड एमपी चीफ सेक्रेटरी. अब देखो ये अभी हाल ही में बने हैं, ऑल दो जो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सो यू कैन ऑल्सो लीव दिस वन. बट अभी ये तो आप लोगों को पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान फिर से एमपी के नए सीएम बन चुके हैं. ओके, और एमपी के गवर्नर हैं लालजी टंडन, और इन्होंने ही जब ये दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने सो इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको चेंज कर दिया, और अब नए चीफ सेक्रेटरी हैं इकबाल सिंह बैंस. ओके, अब हम अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. असम सीएम अवार्डेड 2020 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड. सो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनको काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स एट द 6th
इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव इन गुजरात। सो अभी इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव हुआ था गुजरात में, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं पर इसी इवेंट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स ये दिया गया असम के सीएम को। और अभी हमने पढ़ा था कि असम की एक स्कीम है जिसका नाम है उत्तरण स्कीम, ठीक है, इसके तहत जो राज्य है असम का उसमें 33 स्टेडियम बनाए जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कन्फर नेशनल ललित कला अकेडमी अवार्ड टू 15 आर्टिस्ट इन न्यू दिल्ली। अब इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हाल ही में ललित कला अकादमी अवार्ड जो है ये कितने आर्टिस्ट को मिला, तो ये मिला 15 आर्टिस्ट को। आप लोग इस क्वेश्चन को इसी वे में ध्यान रखना, ऑप्शन दे देंगे 14, 12, 13, 15 इस तरीके से, ओके। पीवी सिंधु और इनको अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 4th टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है इसने अपना एक स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो दिया, और ये दिया गया पीवी सिंधु को एज द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि इनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भाईचंद भूटिया, ये एक फुटबॉलर है, इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर, इनको दिया गया आइकॉन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। सो ये तीनों ही अवार्ड आपको ध्यान रखना है, खासकर ये आइकॉन सेंचुरी वाला आप लोग जरूर ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि बलबीर सिंह जी जो है ये एक हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट है CRPF Institute's Special Shakti Award for Women Empowerment. So question इस तरीके से आएगा कि किस पुलिस फोर्स ने एक नया अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट करा है वुमेन के लिए जिसका नाम है शक्ति अवार्ड। ऑप्शंस दे देंगे आपको CRPF हो गया, BSF हो गया, या फिर आपका ITBP हो गया, इस तरीके के आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। सो शक्ति अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किसने करा है या इंस्टीट्यूट करा है, CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके। और यह है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जेवर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जेवर एयरपोर्ट जो कि गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहा है, इसको नोएडा एयरपोर्ट भी कह सकते हैं, ओके। सो इसको यानी कि इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया है, यानी कि इसको अपने स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉग्निशन मिली है, ओके। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेवर एयरपोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में है, सो आएगा इसमें उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नीति आयोग ऑर्गेनाइजेस द 4th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। सो नीति आयोग ने अभी वुमेन्स डे के उपलक्ष में एक अवार्ड दिया गया, इसका ये 4th एडिशन था। अवार्ड का नाम है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऐसी वुमेन जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है या इंडिया को बदलने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही है, ओके। सो इसमें कितने लोगों को अवार्ड दिया गया या कितनी वुमेन को इसमें फेलिसिटेट किया गया, सो ये है 15। और वही अभी हमने ऊपर देखा था ललित कला अकेडमी अवार्ड, इसमें भी अवार्ड जो दिया गया ये 15 आर्टिस्ट को दिया, ओके। तो दोनों का सेम है, ऐसे ध्यान रखना। इसके अलावा ये अवार्ड किसने दिया, सो नीति आयोग ने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद कन्फर्स नारी शक्ति पुरस्कार फॉर 2019। सो अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर यानी कि 8 मार्च को हमारा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है नारी शक्ति पुरस्कार। इसमें कुछ चुनिंदा औरतें, कुछ चुनिंदा महिलाएं जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है किसी न किसी फील्ड में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। सो इस साल ये पुरस्कार टोटल 15 वुमेन को दिया गया। GMR लेड हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन। सो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको विनर डिक्लेयर किया गया, और ये किस बेसिस पे किया, सो इसके साइज और इसके रीजन पे, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो इट वाज एडजस्ट द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन। द कैटेगरी वाज 15 to 25 million पैसेंजर्स पर NM। सो हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड रीजन। सो ये है हैदराबाद इंटरनेशनल। नेक्स्ट है WGSHA enters Limca Book of Record for India's first Living Culinary Arts Museum. तो इंडिया का पहला Living Culinary Arts Museum कौन सा है, सो ये है WGSHA। फुल फॉर्म है Welcome Group Graduate School of Hotel Management of Manipal Academy, ठीक है। सो इतना याद नहीं रखना, आप Welcome Group याद रख लेना, इससे आपका जो काम है वो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इस म्यूजियम के फाउंडर कौन है, सो ये है शेफ विकास खन्ना। अगर आपने मास्टर शेफ इंडिया का भी देखा है तो ये उसमें आते थे, ठीक है। सो वो इसके फाउंडर है। रोहिणी मोहन एंड आरफा खानम शेरवानी विंस द चमेली देवी जैन अवार्ड।
ठीक है, ये दोनों ही हैं जर्नलिस्ट और इन दोनों को अवार्ड मिला कौन सा, चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। सो किस किस को मिला, रोहिणी मोहन एंड आरफा खानुम। CSIR अनाउंसेस इनोवेशन अवार्ड्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसने स्टूडेंट्स के बीच में यानी कि स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके बीच में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो एक साइंटिफिक टेंपर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बच्चे और ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में, साइंटिफिक इन्वेंशंस में और इनोवेशन में आगे बढ़ें, उन चीज़ों को इनक्रेज करने के लिए एक अवार्ड शुरू करा है, दैट इज़ फॉर इनोवेशन अवार्ड एंड दैट इज़ फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ओके, किसने शुरू किया ये क्वेश्चन आ सकता है, तो CSIR ने। जोया अख्तर ऑनर्ड विथ IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड। सो IIFTC का मतलब है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। इसमें टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया निर्देशक जोया अख्तर को, ठीक है। 2020 एबल प्राइज टू फ्रस्टनबर्ग एंड मार्ग्यूलिस, और ये जो प्राइज़ है ये मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, ठीक है। सो इस साल ये मिला है फ्रस्टनबर्ग एंड मार्ग्यूलिस। महाराजा रंजीत सिंह नेम्ड ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर अकॉर्डिंग टू BBC पोल। जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनको ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर बोला गया है, ठीक है, उनको वोट दिया गया है। एक पोल कंडक्ट कराया गया था जिसमें महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिख एम्पायर के रूलर थे 19 सेंचुरी में, उनको दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बोला गया है। EIU's इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, सो EIU ने एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स निकाला है 2020 का। इसमें इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज में टॉप किया है, और वहीं ग्लोबली बात करें तो इंडिया का रैंक है इसमें 46, और वहीं फर्स्ट पर है स्वीडन। इसके अलावा EIU का फुल फॉर्म क्या होता है, सो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और उसी ने ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया है। ओडिशाज कोनार्क सन टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात फाइंड्स प्लेस इन आइकॉनिक टूरिज्म लिस्ट। सो देखिए, आइकॉनिक टूरिज्म साइट की एक लिस्ट प्रिपेयर करी है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, उन्होंने ये चीज़ बताई बाद में कि जो उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है जो, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, इन दोनों को इंक्लूड करा है आइकॉनिक टूरिज्म लिस्ट में। 3.5 to 4.4 billion पीपल विल हैव लिमिटेड एक्सेस टू वाटर बाय 2050, ये बोला है UN ने। सो यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस तरीके से पानी की किल्लत होती जा रही है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3.5 बिलियन पीपल से लेके 4.4 बिलियन यानी कि आप मान लो आसपास के कि 4 बिलियन जो लोग हैं उनके पास में लिमिटेड एक्सेस होगा पानी का। ओके, इंडिया रैंक्स पुअरली इन UN's वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी आई और ये जारी करी UN ने, इसमें इंडिया का रैंक था 144 और वहीं फर्स्ट प्लेस पे था फिनलैंड। सिंगापुर टॉप्स इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, सो सिंगापुर ने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है उसको टॉप किया है एज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो अवार्ड है, ये जो रैंक है फर्स्ट, ये सिंगापुर को पहली बार मिली है, क्योंकि अभी तक जब से ये इंडेक्स शुरू हुआ है तब से इस पे फर्स्ट रैंक पे आ रहा था हांगकांग, बट सिंगापुर ने उसको ओवरटेक करा है और अब वो सबसे वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया का रैंक है इसमें 120, वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 144। ओके, सो नाउ वी विल सी फ्यू इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। चिंतन बैठक, ये एक पोर्ट रिव्यू मीटिंग थी, यानी कि जो भी पोर्ट्स हैं इंडिया में उनकी क्या कंडीशन है, क्या उनमें बेटर किया जा सकता है, सो एक तरीके की, और जो भी उनमें अभी तक काम हुआ है उसके रिव्यू की ये मीटिंग थी। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये किसके ऊपर मीटिंग थी, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट हैं, नेशनल हाईवेज हैं, सो ये किसके लिए थी, पोर्ट्स के लिए, ठीक है। विच चेयरपर्सन ऑफ ऑल मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सो जितने भी चेयरपर्सन हैं जितने भी मेजर पोर्ट्स के वो सब इसमें आए हुए थे। इस मीटिंग को चेयर किसने किया, हेड किसने किया, सो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग हैं ये हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने इसको हेड किया। ओके, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई, सो ममल्लपुरम विच इज़ इन तमिलनाडु। 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस टू बी हेल्ड इन बैंगलोर, सो 19th एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस ये कहाँ पर होगा, सो ये होगा बैंगलोर में। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये थोड़ा डिले हो जाएगा, बट अगर एक बार वेन्यू फिक्स कर दिया है तो वो वहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2020, ये स्टार्ट हुई पुणे में। कहाँ पर हुई, पुणे में,
और कौन सा था ये? इंटरनेशनल डायबिटीज समिट, वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 टू बी हेल्ड इन सिंगापुर फ्रॉम जुलाई 5th to 9th. सो वर्ल्ड सिटीज समिट ये कहाँ पर होगी? सिंगापुर में. और इसका थीम क्या होगा? लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड. सो वी हैव टू क्रिएट लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज. नाउ वी विल सी फ्यू इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ डिफेंस सेक्टर. MOU साइन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. सो एक चेयर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है एट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज. ठीक है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो कि है पुणे में. अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन बनाएगा? सो इट विल बी क्रिएटेड बाय इंडियन एयरफोर्स. और इस चेयर का नाम क्या रखा जाएगा, यानी कि ये जो इस्टेब्लिश करेंगे न्यू चेयर, उसका नाम होगा ऑन मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि अर्जन सिंह के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा. इंडिया पिप्स रशिया एंड पोलैंड टू सिक्योर $40 million डिफेंस डील विद आर्मेनिया. सो हाल ही में आर्मेनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इंडिया ने उसके साथ एक डिफेंस डील साइन करी है $40 million की. इसके तहत इंडिया कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं जो कि DRDO डेवलप करेगा और BEL, ये दोनों मिलकर इसको डेवलप करेंगे और ये इंडिया आर्मेनिया को देगा. सो ये हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा. इंडिया एंड US साइन 1200 crore डील फॉर एडवांस डिफेंस सूट फॉर VVIP एयरक्राफ्ट. सो दो जो VVIP एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि एक प्रेसिडेंट का और एक प्राइम मिनिस्टर का, उसके साथ में चलने के लिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया और USA ने डील करा है ₹1200 crore का, जिसमें इंडिया USA से एडवांस डिफेंस सूट्स जो है वो खरीदेगा. ओके, और ये क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. इंडिया वॉज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन 2015 to 2019. सो 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है. ठीक है, और फर्स्ट पे है सऊदी अरेबिया. और वहीं अगर हम बात करें कि हम सबसे ज़्यादा आर्म्स किस कंट्री से लेते हैं, तो वो है रशिया. एक्सरसाइज सारिक्स कंक्लूडेड एट गोवा. अब ये एक नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज थी और ये हुई गोवा में. नाम जरूर ध्यान रखना, सारिक्स. विंग्स इंडिया 2020 बिगैन इन हैदराबाद. सो विंग्स इंडिया नाम का जो कॉन्फ्रेंस है, ये एक एग्जीबिशन है और एक कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस है जो कि हमारे सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो कराता है. ठीक है, किसके साथ मिलके? सो फिक्की के साथ में मिलके. और ये इस बार हुआ बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद. इसका थीम था फ्लाइंग फॉर ऑल. नाउ वी विल सी फ्यू इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स. मिनिस्टर स्मृति ईरानी रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस. इसमें टोटल 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई थी जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड थे. ओके, नाम क्या है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस. और इसको लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने. चंद्रसूर डोगरा लॉन्च्ड अ बुक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक. ये उन सोल्जर्स के बारे में है जो कि मिसिंग हो गए, जिनका कुछ पता ही नहीं चला कि उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ. और इसमें वॉर्स जो फोकस करी गई हैं वो है 1965 एंड 1971 इंडो पाक वॉर्स. ओके, सो बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन, यानी कि जब वो एक्शन में थे, जब वो अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उस समय वो जो सोल्जर्स हैं वो मिसिंग हो गए, वो गुम हो गए, वो गुमशुदा हो गए. ओके, और ये लिखी है चंद्रसूत डोगरा ने. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बुक ऑन लेट गोवा CM मनोहर पारिकर टू बी रिलीज्ड. सो मनोहर पारिकर जो कि हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर भी थे, अपार्ट फ्रॉम दिस वो गोवा के CM भी थे, उन पर एक बुक लॉन्च करी गई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ. और इसके ऑथर्स हैं सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेनकर. ओके, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये बुक लिखी है भालचंद्र मुंगेकर ने. क्या नाम है? माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट. और ये भालचंद्र मुंगेकर जी जो हैं ये राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं. नॉवलिस्ट रुचिरा तोमर विंस 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी अवार्ड जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित हो उसके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. सो 2020 का पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला है रुचिरा तोमर को. और इनकी बुक या इनकी जो नॉवल है उसका नाम है अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स. ठीक है, ये इनका डेब्यू नॉवल है, पहला नॉवल है ये इनका. सविता छाबरा ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल लेगेसी ऑफ लर्निंग. सो सविता छाबरा इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है. ठीक है, ये चेयरपर्सन है हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड उसकी, जो कि एक ब्यूटी केयर कंपनी है.
सो इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है लेगेसी ऑफ लर्निंग और इसमें श्रीमद् भगवद गीता से कुछ वर्सेस ली गई हैं। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू पर्सन्स हु आर इन न्यूज़ दीज डेज। मिशेल मायबैक नेम्ड एज न्यू सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड। सो मास्टर कार्ड जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, उसके नए सीईओ बने हैं मिशेल मायबैक। ओके, हो सकता है मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट इट्स ओके, आप समझ जाओ। मिशेल मायबैक एंड मास्टर कार्ड, ऑल थ्री आर स्टार्टिंग फ्रॉम एम। माधुरी कनेतकर बिकम्स थर्ड वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया। सो इंडिया की तीसरी वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? माधुरी कनेतकर। और वहीं इस पोजीशन को होल्ड करने वाली पहली वुमेन कौन थी इंडिया की? सो पुनीता अरोरा। ओके, मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्चेस सुपोषित माँ अभियान। ये अभी हमने कल वाले वीडियो में जहाँ पे स्कीम्स डिस्कस करी थी वहाँ पर भी देखा था कि ये जो स्कीम है ये कोटा में स्टार्ट की गई है, जो कि ओम बिरला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। और इसका जो एम है वो ये है कि हमें मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया क्रिएट करना है। अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। सो हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं अजय भूषण पांडे, और इन्होंने किसका प्लेस लिया है? सो राजीव कुमार का। इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर नेम्ड बाय टाइम अमंग 100 वुमेन ऑफ द ईयर। सो टाइम ने अभी एक लिस्ट जारी करी है जिसका नाम है 100 वुमेन ऑफ द ईयर। ओके, और इसमें अलग अलग साल में बेस्ट वुमेन यानी कि वुमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उसका अवार्ड किसी ना किसी को, टाइटल किसी ना किसी को दिया गया है। सो इंदिरा गांधी को दिया है 1976 के लिए, और वहीं अमृत कौर को दिया है 1947 के लिए, यानी कि वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 1947 वॉज राजकुमारी अमृत कौर। ओके, फॉर्मर SBI CFO प्रशांत कुमार टेक्स ओवर चार्ज एज यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था अपॉइंटमेंट्स में कि यस बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं प्रशांत कुमार, और यस बैंक के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं वो बने हैं सुनील मेहता, जो कि पहले पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन थे। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है DFS सेक्रेटरी देवाशीष पांडा नॉमिनेटेड ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में एक नए डायरेक्टर को शामिल किया है जिनका नाम है देवाशीष पांडा। राजेश चपलोट ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ युगांडा। सो युगांडा का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया गया है इंडियन राजेश चपलोट को। नुपुर कुलश्रेष्ठा बिकम्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स फर्स्ट वुमेन DIG। सो DIG का मतलब होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली वुमेन DIG बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। बिल गेट्स स्टेप्स डाउन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड टू फोकस ऑन फिलेंथ्रोपी। सो ये आप लोगों को पता होगा जो बिल गेट्स हैं उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे इस्तीफा दे दिया है। ओके ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमने मार्च का बोल्ट जो है वो खत्म कर लिया है। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इसके अलावा अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार आप लोग जो PDF है उसको ज़रूर पढ़ना, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखना डिफरेंट क्विजेस से, देन इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो विद दिस आई शैल से बाय टू यू एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।